नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार की और बाडरा की बीवी प्रियंका बाडरा ने उलझुल बयान दिए, उसके बाद राजस्थान के एक विधायक ने प्रियंका बाडरा को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के ये विधायक हैं मदन दिलावर, और उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो समर्थन करते हैं और बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, उनकी नागरिकता का जो विरोध करते हैं वो निश्चित तौर पर भारत में रहने लायक नहीं है, और जो पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस को जिन लोगों ने मारा, उन लोगों का भी जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये देश के दुश्मन हैं, चाहे वो सोनिया हो, प्रियंका हो, या फिर उसका लड़का राहुल गांधी हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन लोगों को ये देश छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, खासकर CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से दंगे कराए गए, उसके बाद कल जिस तरीके से लखनऊ में प्रियंका बाड्रा ने उन सभी दंगाइयों का समर्थन किया, उनको शहीद बताने की भी कोशिश वो पहले कर चुकी है, और ये कहा कि जो भी लोग पकड़े गए हैं वो सब निर्दोष हैं, और ऐसा कहने के सिर्फ और सिर्फ अधिकार गांधी नेहरू परिवार को है, ये कहने की कोशिश कर रही थी प्रियंका बाड्रा। उसके साथ साथ उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला था, और तमाम पुलिस वालों को उसने झूठा बताने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर ये प्रियंका बाड्रा और राहुल गांधी सोनिया का ये एक ऐसा गेम है, वो जो चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष लेकर अगर मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो हो सकता है उन्हें चुनावों में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और इसी के लिए वो बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश में जिस तरीके के CAA के समर्थन में अब लोग आ गए हैं, और लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि जो CAA का विरोध कर रहा है वो निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्षधर है। वहीं दूसरी तरफ CAA के आ जाने के बाद में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में एक भगदड़ मच गई है, और इसकी ताज़ा खबर अब ये आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब सीमा पार बांग्लादेश भाग रहे हैं, और इसकी पुष्टि की है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने, यानी BGB ने पुष्टि की है कि उन्होंने अभी 350 लोगों को एक साथ पकड़ा है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी हैं, और उन लोगों को पकड़ा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया जो कि बांग्लादेश की सीमा में घुसने का कोशिश कर रहे थे। और जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने यही कहा कि वो भारत में बेहतर अवसरों और रोजी रोटी की तलाश में आ गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से CAA आया है और उसके बाद NRC आने की संभावना है, इसलिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश का जो ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उसने ये भी कहा कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में इतनी ज़्यादा इस तादाद बढ़ रही है लोगों की, कि बांग्लादेश में प्रवेश करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश में घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो बगैर किसी दस्तावेज के, बगैर किसी रीजन के बांग्लादेश से भारत में आ गए थे, और भारत में आकर ये छोटे मोटे जो कबाड़ का काम है, चोरी चकारी का काम है, राहजनी का, लूटपाट का काम है, इस तरीके के कामों में भी व्यस्त रहते थे। लेकिन अब जब NRC और NPR पर चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, आसपास के लोग भी जागरूकता से ऐसे लोगों को मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भारत के वैध नागरिक नहीं हैं और बांग्लादेश या दूसरी ऐसी ही जगहों से भारत में घुस आए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक तरीका है कि वो या तो बांग्लादेश के रास्ते घुसते हैं, या फिर दूसरे अन्य रास्तों से, कभी कभी वो नेपाल के रास्ते भी भारत आने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान रास्ता ये रहता है कि वो आसाम में घुस जाते हैं, आसाम की, और कभी कभी ये बांग्लादेश की जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगी हुई है उसमें ये घुसकर, जहाँ पर फेंसिंग नहीं है, ये बांग्लादेश गार्ड का ये कहना है कि जहाँ फेंसिंग नहीं है, जहाँ पर सीमा खुली हुई है, उस जगह से ये लोग ज़्यादा घुसते हैं, और उसके बाद भारत के तमाम क्षेत्रों में ये फैल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की अब स्थितियाँ बनी हैं, उसके बाद हर जगह पर इनको चिन्हित किया जाना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब इन्हें लगता है कि अगर पकड़े गए तो इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जिसका भय जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने फैला दिया है और दूसरी पार्टियों ने भी फैलाया है कि डिटेंशन सेंटर में नारकीय जीवन होता है, उसको लेकर ये लोग अपने वतन यानी कि बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, और ये पुष्टि अब बांग्लादेश गार्ड ने कर दी है, जिसके बाद ये बड़ी बात है कि पहले बांग्लादेश के मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर भारत में रहने वाले बांग्लादेशी, उसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार इकबाल शोभन चौधरी ने भी पिछले दिनों कहा था कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया है यानी CAA आया है, ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन हम भारत जो कि हमारा पुराना मित्र है और हर समय का मित्र है, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जितना
अत्याचार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होता है, उतना बांग्लादेश में नहीं होता है। लेकिन ये जो शोभन चौधरी हैं, ये भूल जाते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी उसके ज़माने में बांग्लादेश में भी जो अल्पसंख्यक थे, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक, उनके ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। लेकिन अब उन जिस तरीके से बांग्लादेश सरकार का पॉजिटिव एक तरीके से स्टेप्स आ रहे हैं, पॉजिटिव संदेश आ रहा है, और वो ये कह चुके हैं कि अगर भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी वापस अपने देश लौटना चाहते हैं तो वो उनको वापस लेने को तैयार हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी राजनीतिक या कूटनीतिक विजय कह सकते हैं भारत की, और जिस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे मामले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इस्तेमाल करता था, पाकिस्तान की ISI एजेंसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र में इस्तेमाल करती थी और उनको इंस्टिगेट करती थी, उनको पैसा मुहैया कराती थी, क्योंकि इन लोगों को हर हालत में पैसा चाहिए होता था और जिसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। अब जब CA आ चुका है तो जो शरणार्थी आए हुए थे उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन NPR और NRC के बाद में ये निश्चित हो जाएगा कि भारत में जो घुसपैठिए हैं उनको देश में नहीं रहने दिया जाएगा। और इसके लिए सरकारें पहले भी काम करती रही हैं, लेकिन उतने बड़े स्तर पर काम नहीं हुआ। यही वजह थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जब एक जगह पर, एक शहर में उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू होती थी तो वो ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर पहुंच जाया करते थे, और कहीं भी जहां गंदा नाला या तालाब वगैरह होता था उसके आसपास बस्तियाँ बनाकर वो रहने लगते थे। सबसे पहले वो कबाड़ का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सीधे जाते हैं कूड़ा बीनते हैं और उसको कबाड़े में बेच देते हैं, और उसके द्वारा इनको आराम से रहने की जगह भी मिल जाती है मुफ्त की, और मुफ्त में खाना पीने का भी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अब जब से NRC की चर्चा चल पड़ी है, NPR की चर्चा चल पड़ी है, तो स्थानीय नागरिक ऐसे लोगों को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी करते हैं, कहां से आए हो, क्या है। यही वजह है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में कई जगह पर हलचल ज़्यादा तेज़ हो गई है, उनमें दहशत का माहौल है, और वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो कांग्रेस जो कह रही है उस तरीके से उनको नागरिकता मिल जाए, अन्यथा उन्हें अपने वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वो आए हैं। इसी कड़ी में संभाजी भिड़े, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के बड़े एक सामाजिक नेता माने जाते हैं, वो फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत बड़े स्तर पर वो MSc उन्होंने किया था और उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसके बाद वो सामाजिक कार्यों में लगे, उन्होंने अब एक रैली निकाली जो कि CAA और NRC के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि जो लोग CAA NRC का विरोध कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर देश के लिए घातक हैं, और हमारे देश के लिए जो नकली गांधीवाद है वो भी बहुत ज़्यादा घातक है। ये कहना है संभाजी भिड़े का। उन्होंने ये कहा कि जो लोग CAA और NRC का विरोध करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो इस देश में कानूनन जिनको नागरिकता दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, और कांग्रेस के अलावा जो तृणमूल कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं उस पर भी उन्होंने निशाना साधा, और निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, और शिवाजी महाराज का भी यही नीति थी कि भारत के अंदर हर शरणार्थी को जगह मिलनी चाहिए जो कि धार्मिक तौर पर अगर सताया गया है। और इस रैली में, जो कि बहुत बड़ी रैली थी, शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने पहुंचकर ये जनसभा में तब्दील हुई रैली, और उसके बाद वह भाषण हुए। इस पूरी रैली में कई विधायक शामिल थे, जिनमें संजय काका पाटिल, सुधीर गाड़गिल, सुरेश खाड़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार में वित्त मंत्री जयंत पाटिल के साले मनोज सिंधे भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा कड़ेरी मठ के मठाधीश कांड सिद्धेश्वर महाराज भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ इसमें शामिल हुए। और उसके अलावा संभाजी भिड़े, जो उनकी गिनती महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में की जाती है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, और जो भीमा कोरे गांव का पूरा जो नारबन नक्सलियों का एक गिरोह जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, उसमें संभाजी भिड़े की वजह से ही वहाँ ज़्यादा उपद्रव नहीं हो पाया था, और उन्होंने लोगों को उसके जो असलियत है उसको बताने का प्रयास किया था। तो निश्चित तौर पर संभाजी भिड़े अब खुलकर इस पूरे मामले में सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि NRC और CAA पर किसी भी तरीके से जो कांग्रेस का जो एक अलग नीति है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उनकी रैली में जिस तरीके से कई विधायक शामिल हुए हैं
उससे निश्चित तौर पर यह संदेश अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे को भी पहुंच जाएगा और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी पहुंच जाएगा कि महाराष्ट्र में वो सीएए का विरोध नहीं कर पाएगी, एनआरसी का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सीएए और एनआरसी के पक्ष में खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वो सीएए का विरोध करके, एनआरसी का विरोध करके राहुल गांधी को दोबारा से मेन स्ट्रीम में एक नेता के तौर पर स्थापित कर देंगे और इस कोशिश में राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा भी जिस तरीके से कूदी हुई है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा रुचि ले रही है, बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है, उसका भी ये उद्देश्य है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसको एक मौका मिले और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। लेकिन दोनों ही इन बहन भाई का कोई भी सपना पूरा होगा इसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि देश की जनता इन संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा भारतीयता के साथ है, संविधान के साथ है और खुलकर जनता की तरफ से जिस तरीके से सीए को सपोर्ट मिला और सीए के पक्ष में बार बार जगह जगह पर जो रैलियां हुई हैं उससे भी इस पर संकेत मिल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई भी देश का सच्चा नागरिक भारत में बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।